Morning, student. Already we have completed the last lesson and the notes are also complete. Now, today we are going to start with a new lesson, that is the value of food. वैल्यू ऑफ फूड का मतलब क्या बेटा? कि हमें खाने की कदर करनी चाहिए. आपको मालूम है ना खाना कैसे मुश्किल से मिलता है हमें. अभी तो लॉकडाउन पीरियड में आप देख रहे रहेंगे कितनी तकलीफ़ों से लोग गुजर रहे हैं. तो खाने की वैल्यू करनी चाहिए, वही इस लेसन में हमें बताया गया है. अर्जुन एंड वर्षा आर ब्रदर एंड सिस्टर. दे लव टू ईट हॉट भाकरी, बाजरा भाकरी विथ बटर. मदर मेक्स अ नंबर ऑफ अदर डिशेज फ्रॉम देम टू ईट विद भाकरीज, दे लाइक दोज टू. इसमें क्या बोला है, यहाँ पे एक लड़का और लड़की की फोटो दिखाई गई है. उसका नाम क्या है? अर्जुन एंड वर्षा. वो दोनों क्या है? भाई बहन है. उनको गरम गरम बाजरा की भाकरी और बटर के साथ, मक्खन के साथ खाने को बहुत अच्छी लगती है. मम्मी उनके लिए क्या बनाती है? मम्मी उनके लिए अदर डिश, दूसरी टाइप का डिश भी बनाती है विथ भाकरीज, दे लाइक दोज ऑल्सो. उनको वो भी खाना बहुत अच्छा लगता है, तो मम्मी उनके लिए अलग अलग डिश बनाती है. ना उन्होंने वही पूछा है, कैन यू टेल व्हाट कुल बी दोज डिश दैट मदर मेक्स टू गो विथ भाकरीज, व्हाट आर दोज डिश मेड फ्रॉम. ठीक है, अभी मम्मी ने क्या पूछा है, हमें को क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मम्मी जब भाकरी बनाती है, गरम गरम भाकरी बनाती है आपको खाने के लिए, भाकरी के साथ मम्मी अलग अलग क्या क्या बनाती है और उसके लिए क्या क्या लगता है. बराबर है, मम्मी क्या बनाती है उसके साथ? मम्मी सब्जी बनाती है, बराबर है, भाजी बनाती है, उसके लिए क्या लगता है हमको? वेजिटेबल्स लगता है. फिर क्या बनाती है मम्मी? मम्मी दाल बनाती है, बनाती कि नहीं दाल बनाती है, कभी मटन बनाती है, अंडा बनाती है. भाकरी के साथ हम लोग बहुत कुछ खाते हैं, चिकन खाते हैं, फिर सब्जी खाते हैं, फिर झुनका भाकर रहता है, झुनका खाते हैं, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स हम लोग खाते हैं. तो उसके लिए हमको क्या क्या लगता है? हमको सब्जी लगती है. इन वर्षे एंड अर्जुन होम दे यूज़ अ लॉट ऑफ अदर फूड स्टफ टू, वेयर आर दे ऑब्टेन. उनके घर में और भी दूसरा सामान यूज़ करते हैं, वो सब सामान कहाँ से आता है और किससे बनता है? तो उन्होंने क्या दिया है? वीट, राइस, जवार, पल्सेस, शुगर केन. उन्होंने क्या बोला? गेहूँ, चावल, जवार, दाल, ये सब उन लोग उस सब चीज़ के आइटम्स उन लोग बना के खाते हैं. फिर करवंदा खाते हैं, फ्रूट्स में करवंदा हो गया, जामुन हो गया, बोर हो गया और हनी. हनी माने मद होता है. ठीक है, फिर सॉल्ट वाटर फिश, गाँव में रहते हैं तालाब में मच्छी पकड़ते हैं, और नमक, फ्रेश वाटर फिश. फिर वो हो गया जो हम लोग समुद्र से लाते हैं, सिंगाड़ा, वाटर कैश्यूनट. सिंगाड़ा खाया ना, काला काला का रहता है, उसको सिंगाड़ा फ्रूट बोलते हैं, दैट इज़ वाटर कैश्यूनट्स. फिर मखाना, दैट इज़ अ लोटस सीड. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मीट एंड एग, ये सब चीज़ मम्मी अदर फूड स्टफ मम्मी यूज़ करती हैं, जो हम लोग भाकरी के साथ प्रिफर करते हैं या घर पे बनाते हैं. तो यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये सब चीज़ कहाँ से मिलती है. तो ऑफन वे सर्विंग वर्षा एंड अर्जुन अमेल, मदर सेज टेक ओनली एज मच एज यू वॉन्ट, फूड शुड नॉट गेट वेस्टेड. मम्मी ऐसा क्यों बोलती है कि खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए? बेटा इतना आपको मालूम होना चाहिए कि खाना जो हम लोग लेते यूज़ करते हैं उसको बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है. फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ग्रो करने के लिए, उसको उगाने के लिए ही बहुत मेहनत लगती है. उसके बारे में अभी हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे कि क्या होता है. तो हमेशा ध्यान में रखो कि जितना खाना चाहिए उतना ही यूज़ करना चाहिए, खाने को वेस्ट करना नहीं चाहिए. समझ आ रहा है? तो हर टाइम आप कहीं पे भी भाजी, शादी में जाओ, पार्टीज में जाओ, खाना अगर ऐसा नहीं हो कि मिल रहा है तो चलो ले लो प्लेट में और बाद में फेंक दो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाना खाने के लिए मिलता भी नहीं है. तो हमें खाने की वैल्यू करनी चाहिए एंड वी शुड रिस्पेक्ट एंड यू शुड टेक एज मच फूड एज मच यू वॉन्टेड. जितना आपको चाहिए उतना खाइए, वेस्ट मत करिए, जितना चाहिए उतना आप खाइए. ठीक है, सो इन दिस नाउ द एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज नंबर 50 इज ओवर. वी विल जस्ट रीड द लेसन सो दैट यू कैन गो थ्रू इट. लेसन नंबर 8, पेज नंबर 50, द वैल्यू ऑफ फूड. मेरे बाद आपको भी रीडिंग करनी है. मैं स्लोली स्लोली रीडिंग कर रही हूँ, आपको मेरे बाद भी रीडिंग करनी है. अर्जुन एंड वर्षा आर ब्रदर एंड सिस्टर. दे लव टू ईट हॉट बाजरा भाकरीज विथ बटर. मदर मेक्स अ नंबर ऑफ अदर डिशेज फ्रॉम देम टू ईट विथ भाकरी, दे लाइक दोज टू. व्हाट कुड बी दोज डिशेज दैट मदर मेक्स टू गो विथ भाकरीज, व्हाट आर दोज डिशेज मेड फ्रॉम. इन वर्षा एंड अर्जुन्स होम दे यूज अ लॉट ऑफ अदर फूड स्टफ टू, फ्रॉम वेयर दे आर ऑब्टेन.
wheat, rice, jawar, pulses, sugarcane, karwanda, jamun, boar, honey, soil water, fish and salt, fresh water, fish, singada, water, cashew nuts, makhanas, lotus seed, fruits and vegetables, meat and eggs. Often when serving Varsha and Arjun a meal mane khana, mother says, take only as much as you want. Food should not get wasted. मील माने बेटा खाना नाश्ता हो कुछ भी हो जो भी चीज़ हम खाते हैं वही उसकी मम्मी बोलती है कि उसको हमें जितना चाहिए उतना ही यूज़ करना चाहिए हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए. तो एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज नंबर 50 इज ओवर. वी विल स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज नंबर 51. सो टर्न योर बुक टू पेज नंबर 51. मॉर्निंग स्टूडेंट 51 वी आर गोइंग टू स्टार्ट. वन डे अर्जुन एंड आस्क्ड हिज मदर, Why do you tell this to us every day? अभी बच्चे लोगों को हम लोग बोलते हैं ना बेटा खाना मत वेस्ट करो, खाना मत वेस्ट करो. तो अर्जुन एक दिन मम्मी को पूछता है कि मम्मी हर टाइम आप मुझे खाना खाने के टाइम पे गिरी गिरी क्यों बोलती हो कि खाना मत वेस्ट करो, खाना मत वेस्ट करो. तो मदर आंसर्ड, Why should we waste any good thing? तो मम्मी उसको बोलती है कि अगर हमें क्यों वेस्ट करना है, अच्छी चीज़ को हमें वेस्ट क्यों करना है. Beside, we must give a thought to how we get the food we eat. Beside, उसकी फिर मम्मी उसको समझाती है, बेटा आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें जो अनाज हम खाते हैं वो हमें अनाज कहाँ से मिलता है, हम उसको कहाँ से लेते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ से हमको मिलता है. तो वो उसने एक स्टोरी के एक भाकरी की स्टोरी, लेट अस मी टेल यू द स्टोरी ऑफ ए भाकरी. उसने फिर एक भाकरी का उदाहरण लिया कि भाकरी बना खाते तो हैं हम बहुत अच्छे शौक से, मगर भाकरी कैसे मिलती है, कहाँ से आती है, वो सब उसने पूरा एक्सप्लेन नीचे एक स्टोरी के तौर पे भाकरी की स्टोरी उसने बताई है. किसने बताई है? मम्मी ने. किसको बताई बेटा? अर्जुन और वर्षा. क्योंकि अर्जुन और वर्षा को मम्मी हमेशा टोकती थी कि खाना खाते समय ज़्यादा वेस्ट मत करो खाना, इसके लिए उन्होंने पूछा. द स्टोरी ऑफ भाकरी. You know दादा, my father is a farmer. उसने से बोला कि आपको मालूम है कि मेरे पापा क्या हैं? एक farmer हैं. जो farmer मतलब कौन? खेती बाड़ी करने वाला. And you know that school has summer vacation. जब स्कूल में छुट्टियां पड़ती तो आप कहाँ जाते हो? आप अपने गांव में जाते हो ना, आपके गांव में भी खेती बाड़ी आप देखते हो ना. When I was small, we often went to my father's field riding on a tractor. जब हम भी छोटे होते थे क्या करते थे, हम लोग जब गांव जाते थे तो पापा ट्रैक्टर चलाते थे, तो हम लोग ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के वो खेतों में घूमते थे, हम देखते थे कि पापा क्या कर रहे हैं. वैसे ये जो बच्चा है वो भी बोल रहा है कि जब छुट्टियाँ पड़ती हैं तो हम लोग फादर की खेती में जाते हैं और ट्रैक्टर में बैठ के पूरे खेती में घूमते हैं. दे विल बी द टाइम फॉर रेडिंग द फील्ड. मतलब हम लोग खाली फील्ड में घूमते थे, हम लोग काम नहीं करते थे, मगर हम लोग फील्ड में घूमना, ट्रैक्टर के ऊपर देखना, ये सब काम हम लोग करते थे. फादर वुल अटैच डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स टू द ट्रैक्टर टू कैरी आउट वेरिंग फार्मिंग टैक्स. बेटा क्या होता है, ट्रैक्टर के साथ वो क्या क्या लगाते हैं? अलग अलग इम्प्लीमेंट्स लगाते हैं. इम्प्लीमेंट्स माने क्या होता है बेटा? अलग अलग चीज़, कभी खोदने के लिए, कभी उसको आपने देखा रहेगा अगर गांव में, अगर आपकी खेती है आपने देखा रहेगा कि प्लॉइंग द फील्ड्स, फिर क्रश द लम्स, और जो सॉइल है मट्टी को सब खड्डे खड्डे पत्थर हो जाते हैं उसको क्रम्स हो जाते हैं, लम्स हो जाते हैं ना, सॉइल नहीं, सॉइल मतलब मट्टी, लम्स में उसको खोलने के लिए खोदना पड़ता है पूरे मट्टी को, फिर सीड को प्लाव करने के लिए, सीड को डालने के लिए करना पड़ता है, फील्ड को ग्रो करने के लिए, फिर लेवलिंग करने के लिए, आया जमीन को लेवल करते हैं, जैसे करते हैं ऊपर एक नीचे नहीं होता, सेम लेवल पे करते हैं, उसके बाद ही हम लोग उसके अंदर बीज लगा के झाड़ लगाते हैं. तो ये सब काम क्या करते हैं पापा? ट्रैक्टर के पीछे एक इम्प्लीमेंट लगा देते हैं, वेरियस टाइप ऑफ इम्प्लीमेंट जो उनको करना है. जैसे अगर अभी आपको लम्स निकालने हैं तो वो लम्स के लिए वो जो इम्प्लीमेंट यूज़ होता है वो लगाते हैं, अगर लेवल करना है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जो वो अटैच करते हैं ट्रैक्टर को और खेती में घूमते हैं, खेती में वो काम करते हैं और हम क्या करते हैं, पापा के साथ बैठ के वहाँ इंजॉय करते हैं. फर्स्ट ही विल प्लॉ द फील्ड एंड देन क्रश द लम्स ऑफ सॉइल. पहले वो क्या करते हैं, पूरे खड्डे को खोदते हैं, फिर जितनी जो मट्टी में पत्थर वत्थर है उसको अलग किया जाता है, समझ में, प्लॉइंग करते हैं पहले, पूरे खेती में प्लॉइंग होता है, फिर क्रश द लम्ब ऑफ द सॉइल, जितने मट्टी में गड्ढे बढ़ गए हैं उसको अलग अलग करते हैं, एकदम अच्छी तरह से करते हैं. फाइनली ही विल लेवल द फील्ड टू मेक इट रेडी फॉर सोइंग. वो पूरा लेवल बराबर करेंगे, ऊपर नीचे उधर पुधर होएगा तो क्या करते हैं, उनको पूरा लेवल करवाते हैं, पूरा लैंड को लेवल कराते ताकि उसमें बीज बोया जाए और खेती चालू किया जाए.
द प्री मानसून शॉवर विल मेक द हॉट सॉइल ह्यूमिड. आपको मालूम है बारिश कभी भी आती है. बारिश का महीना कभी रहता है बेटा? यस, इट इज़ फ्रॉम जून, जून टू सेप्टेम्बर, जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर, राइट? दिस आर द फोर मंथ्स. मगर आपको अगर मालूम होगा कि बारिश आने से पहले, जून में बारिश आने से मई महीना एक बार प्री मानसून बारिश होती है, बहुत ज़ोर से एक ही बारिश होगी, मगर वो अंदाज़ा दे देती है कि अभी बारिश नज़दीक आ गई है. उससे क्या होता है, वो मिट्टी को, जो सूखी मिट्टी रहती है उसको वो गीला करके चली जाती है. दिस वॉज अ टाइम फादर वुल सो बाजरा. तभी पापा क्या करते हैं, जब मिट्टी गिल्ली हो जाती है तो वो बाजरा का बीज वहाँ पे बो देते हैं. विद इन सम डेज द बाजरा स्पीड स्प्राउट एंड द सीडलिंग्स आर सीन अबाउट द ग्राउंड. क्या होता है, थोड़े दिन में क्या होता है, जब अगर बीज को उगा देने के बाद क्या होता है, स्प्राउट मतलब वो अनाज को दाने निकलते हैं ना बेटा. अगर आपने मैंने मटकी वटकी सिखाया था, स्प्राउटिंग फूड सिखाया था, वैसे वो जब बीज को हम लगाते हैं, जब बीज फूटता है और झाड़ छोटे छोटे जाते हैं ना, उसको बोलते हैं स्प्राउट होना. और उसके बाद वो सीडलिंग्स ग्रो हो जाते हैं और वो मट्टी से बाहर निकल के ज़मीन पर हमको, ग्राउंड पर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं. अलॉन्ग विद द बाजरा वीड्स ऑल्सो फ्लरिश. क्या होता है, मट्टी भी एकदम अच्छी हो जाती है और बाजरा भी, बट दे हैव टू बी रिमूव. माई फादर वुल एम्प्लॉय लेबर टू डू दैट, द लेबर हैव टू बी पेन. तो क्या होता है, जब वीड्स खेती बाड़ी होती है तो उसके साथ ना घास फूस भी आगे के वो उगने लग जाते हैं, तो उसको निकालना पड़ता है. तो पापा क्या करते हैं, लेबर एम्प्लॉय, लेबर मतलब वो मजदूर लोगों को रखते हैं ताकि ये सब काम करने के लिए, मजदूर को काम करने के लिए रखा जाता है. जो मजदूर है बेटा वो काम करेंगे तो पैसा तो लेंगे ना, फ्री में तो करेंगे नहीं, फिर उनको उस काम के लिए पैसा भी दिया देना पड़ता था. द लेबर्स हैव टू बी पेड फॉर दैट थिंग ऑल्सो. लेबर मतलब समझ में आया ना बच्चों, वो इट मीन्स अ वर्कर, वर्कर लोगों को उसके लिए भी पे करना पड़ता था. रेन वाटर इज इनफ फॉर बाजरा टू ग्रो वाइगरसली. हमको जब बाजरा, देखो हर एक खेती के लिए बेटा ये ध्यान में रखना, हर एक चीज़ को ग्रो करने के लिए अलग अलग टाइप का क्लाइमेट, वेदर सब लगता है. कभी किसी चीज़ के लिए ज़्यादा बारिश लगती है, किसी के लिए कम लगती है, किसी के लिए मीडियम बारिश लगती है, किसी के लिए बारिश लगती ही नहीं है. हर एक चीज़ को, क्रॉप्स करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट रहता है, वाटर रिक्वायरमेंट रहता है. उसी तरह से बाजरा के लिए ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं रहती है. आफ्टर अ वाइल ईयर्स ऑफ बाजरा अपेयर ऑन एवरी स्टॉक. आपने अगर झाड़ देखा रहेगा, चावल गेहूं बाजरा का, वो ऐसे गोल कलर का झाड़ के ऊपर एक गोल जैसा बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ईयर ऑफ बाजरा, मतलब एक कान बन जाता है, उसके अंदर जो छोटे छोटे दाने उसके अंदर स्टॉक आ जाते हैं. ऑन एवरी स्टॉक, हर एक पत्ते के ऊपर, हर एक डंडी के ऊपर ऐसा वो गोल जैसा बन जाता है, वो स्टॉक रेडी हो जाता है और उसके अंदर बाजरे के दाने आने शुरू हो जाते हैं. द ग्रेन फॉर्म एंड द ईयर्स ग्रो फुलर. ईयर्स मैंने बोला ना आपको, क्या होता है, एक आपने टेक्स्ट बुक में देखोगे तो फोटो में दिखाई देगा, तो अगर नहीं है तो मैं आपको आप नेट पर जाके देखिए बाजरा का झाड़ कैसा रहता है. ऐसा गोल जैसा, पहले छोटा 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 रहता है, छोटा सा रहता है, फिर बड़ा बड़ा होकर एकदम बड़ा गोल जैसा झाड़ के ऊपर बन जाता है, उसके अंदर सारे दाने आने शुरू हो जाते हैं, वो क्या रहते हैं, बाजरा रहते हैं, और वो पूरा भर जाता है. एज अ ग्रेन ग्रोस बर्ड्स कम इन फ्लॉक टू ईट द टेंडर ग्रेन्स. देखो अभी पक्षी लोग क्या खाना खाते हैं बेटा, वो तो झाड़ खेती में सब जाके खाते हैं. तो जैसे वो अनाज उगने लगता है, बाजरा रेडी होने लगता है, तो बहुत सारे पक्षी फ्लॉक माने गुच्छे में आते हैं, पक्षी एक नहीं आएगा, बहुत सारे आते हैं, उसके ऊपर बैठ जाते हैं और खाने की कोशिश करते हैं. देन स्क्रेक ग्रोस हैव टू बी सेट अप एंड स्लिंग शॉट यूज टू फ्राइटन द बर्ड्स अवे. भी क्या होता है, एक होता है स्केयर क्रो. स्केयर क्रो क्या होता है बेटा, मालूम है, एक डंडी के ऊपर एक मटका लगा दो, कपड़ा डाल दो, वो उनको डराने के लिए कि कोई है करके, दैट इज कॉल्ड स्केयर क्रो. मतलब पक्षियों को डराने के लिए उस फार्मर्स को हर खेती बाड़ी में वो स्केयर क्रो बनाना रखना पड़ता है. फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है, उनको फिर आवाज़ करनी पड़ती ताकि उनको लगे कि कोई है खेती में, तो पक्षी वो खाने के लिए नहीं आएंगे. समझ में आ रहा है आपको, तो उनके लिए उनको वो भी करना पड़ता है. When the ears of corn are full in it is harvest time. जो पूरे अच्छे तरह से भर जाएंगे, तैयार हो जाते हैं, तो क्या टाइम आता है बेटा उसका, हार्वेस्ट टाइम आता है. हार्वेस्ट टाइम माने उसको तोड़ के निकालने का, दाना निकालने का टाइम आ जाता है.
दैट इज ऑल द ईयर्स ऑफ बाजरा मस्ट बी कट एंड गैदर. फिर क्या करते हैं, सब धान्य को बाजरे के छाड़ को काट लेते हैं और उसको फिर थ्रेशिंग और विनोइंग में उसको एक मशीन रहती है जिसमें डालते हैं तो दाने अलग हो जाते हैं, कचरा अलग हो जाता है. नहीं तो वो कभी कभी हाथ से भी उन लोग जोर जोर से झटकते हैं तो दाने अलग हो जाते हैं और कचरा अलग सा हो जाता है. देन फॉलोज थ्रेशिंग एंड विनिंग. जब वो पूरा बाजरा को काट लेते हैं तो वो मशीन्स में डाल के या तो हाथों से वो दाने को अलग करते, दैट इज कॉल्ड थ्रेशिंग एंड विनोइंग. दैट इज हाउ वी गेट द ग्रेन फ्रॉम द ईयर्स ऑफ बाजरा. किस तरह से बाजरा हमको मिलता है. अभी बाजरे की रोटी तो अलग दूर की बात है, अभी हमको खाली बाजरा मिला है. नो बाजरा इज रेडी, हमने वो बाजरे को खेती में तैयार कर दिया है. तो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन. नाउ उसके आगे मैं आपको बताऊंगी कैसे वो बाजरे का आटा बनता है और उसके बाद बाजरे की रोटी बनाई जाती है. नाउ फॉर योर बेटर एक्सप्लेनेशन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू रीड दैट पेज वंस अगेन. वन डे Arjun asked her mother, "Why do you tell this to us every day?" Mother answered, "Why should we waste any good thing? Besides, we must give a thought to how we get the food we eat. Let me tell you the story of a bhakri." The story of a bhakri. You know, Dada, my father is a farmer, and you know that school have summer vacation. When I was small, we often went to my father fields riding on his tractor. That would be the time for raiding the fields. Father would attach different implements to the tractor to carry out various farming tasks. First he will plow the fields and then crush the lumps of soil. Finally, he would level the field to make it ready for sowing. The pre-monsoon shower would make the hot soil humid. That was the time father would sow bajra. Within some days, the bajra seeds sprout and the seedlings are seen above the ground. Along with the bajra, weeds also flourish. But they have to be removed. My father will employ laborers to do that. The laborers have to be paid. Rain water is enough for bajra to grow vigorously. After a while, ears of bajra appear on every stalk. The grain forms and the ears have grown fuller. As the grains grow, birds come in flock to eat the tender grains. Then scarecrows have to be set up and slingshots used to frighten the birds away. When the ears of corn are full, it is harvest time. That is, all the ears of bajra must be cut and gathered. Then follow threshing and winnowing. That is how we get the grain from the ears of bajra. So I hope, my dear children, you understood page number, explanation of page number 51. Just go through it. If any doubt, you can ask me. Now we'll take page number 52. तो अभी अब तक हम लोगों ने क्या सीखा कि सिर्फ हमर ग्रो करता है. पहले वो ट्रैक्टर के ऊपर हम लोग को वो पूरे लैंड को लेवल करता है, सोइंग करता है. प्लॉइंग करने के लिए पहले वो क्या करता है, पूरे लैंड को अच्छी तरह से लम्स ऑफ द सॉइल को निकालता है. समझ में आ रहा है आपको, से सॉइल को निकालता है अच्छी तरह से, पूरा मिट्टी को हटाता है, सब पत्थरों को निकालता है. फिर वो पहली बारिश जो होती है प्री मानसून से पूरा लैंड ह्यूमिड हो जाता है, जो गर्मी होती है मिट्टी की निकल जाती है और मिट्टी थोड़ी नरम हो जाती है. तब वो उसमें खेती सीड बोता है और वो ग्रो करता है. जब वो ग्रो हो जाता है तो उसके अंदर घास भी होते हैं, तो वो लेबर को एम्प्लॉय करता है उसको घास के निकालने के लिए, उसको भी पे करता है. फिर जब पूरा बाजरा ग्रो हो जाता है तो वो क्या करता है, ईयर ऑफ बर्ड्स. मैं आपको बता रही हूँ, एक ड्राइंग भी दिखाऊंगी मैं आपको. अब उस ड्राइंग में देखो कैसे वो ईयर, मोस्टली नेट पर आपको दिख जाएगा, उसके बाद गोल जैसा रहता है वो पूरा भर जाता है बाजरा से. और फिर पक्षियों को
पक्षी लोग उसको ना खा जाए अनाज को, उसको संभाल के रखने के लिए वो स्केयर को या शॉर्ट स्लिंग शॉर्ट्स करता है, आवाज कर निकालता है, ताकि उसके लिए भी वो लोगों को एम्प्लॉय करता है। उसके बाद जब वो फुल्ली रेडी हो जाता है तो क्रेन को काट के, बाजरा को काट के लेके जाता है, मशीन्स में डालता है, जहाँ कचरा अलग हो जाते हैं, दाने अलग हो जाते हैं। अगर मशीन्स नहीं है तो वो थ्रेशिंग और विनोइंग, वो हाथ से हम लोग पत्थर पे मारते हैं तो क्या होता है, वो दाने निकलने लग जाते हैं और दाने गिरते हैं, जो अभी तक हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था। वर्षा सेड, आई अंडरस्टूड कटिंग एंड गैदरिंग, मुझे अभी तक समझ में आ गया है। वर्षा क्या बोलती है, मुझे मम्मी समझ में आ गया है कि अभी हम लोग काटेंगे फिर जगह करेंगे। वॉट इज थ्रेशिंग एंड विनोइंग, तो उसमें उसने बताया कि क्या होता है थ्रेशिंग और विनोइंग क्या होता है, जिसके बारे में हमको नीचे बताया गया है। सो मदर सेड, ऑल राइट, डू व्हाट आई टेल यू एंड यू विल सी, यू विल कंटिन्यू विद द स्टोरी लेटर। उसकी मम्मी ने बोला ठीक है, आपको मैं अभी वो विनोइंग और थ्रेशिंग क्या होता है एक स्टोरी के थ्रू जो मैं बोल रही हूँ वो आप करिए, तो उसको आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। समझ में आ रहा है आपको, फिर उसको मालूम पड़ेगा कि विनोइंग और थ्रेशिंग। तो ट्राई दिस, टेक हाफ अ बास्केट फुल ऑफ ड्राइड ग्राउंडनट स्पॉट। अभी उन्होंने क्या बोला, हाफ बास्केट फुल ऑफ, हाफ बास्केट माने आधी टोकरी भर के आप क्या ले लो, ड्राई सूखा ग्राउंड नट, ग्राउंड नट माने सिंगदाना, सिंगदाना का जो छिलके हैं। आपने सिंगदाना खाया है ना, मम्मी बनाती है साबुदाना की खिचड़ी में डालती है, चटनी बनाती है, वो किस में निकलता है, पॉड, पॉड माने सिंगदाना का दाना रहता है। अगर आपने देखा रहेगा उसको, दाने को हम लोग भूनते हैं या उबाल के भी खाते हैं, छिलके खाते हैं। तो उसको बोला कि उसको आप आधा टोकरी भर के ले लीजिए, डिवाइड देम इनटू टू पोर्शन, दो पार्ट में उसको डिवाइड कर दीजिए। किसको डिवाइड कर दीजिए, ग्राउंडनट को, सिंगदानों को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। शेल द ग्राउंडनट्स इन वन पोर्शन, हाउ लॉन्ग डिड दिस टेक यू। शेल द ग्राउंडनट माने आप उसको छीलोगे तो कितना टाइम लगेगा आपको ग्राउंडनट को छीलने के लिए। नाउ पुट द अदर पोर्शन इन अ क्लॉथ बैग एंड टाई इट माउथ। देखो उसने क्या बताया, हमने सिंगदाना लिया, एक एक दाने को छीला तो कितना टाइम लिया, गांव में इतना टाइम नहीं रहता है। तो उसने क्या दूसरा तरीका क्या बताया, इस सिंगदानों को थोड़ा कपड़े में बांध लो और उसका गांठ बांध लो, मुट्ठी से बांध लो, गांठ बांध लो, एंड टाई इट्स माउथ। माउथ माने अपने मुंह को बंद नहीं करना है बेटा आपको, वो उसका जो सिंगदाना, अगर आपने कपड़ा लिया बीच में सिंगदाना रखा, वो कपड़े को उठाना है और उधर उसको सिंगदाना को बांध देना है, गांठ बांध देनी है। पाउंड द बैंक लाइटली विद अ स्टोन और बीट इट अप विद अ स्टिक। उसके ऊपर क्या करो, आप हल्का से पत्थर लेके हल्का से उसके ऊपर मारो या तो लकड़ी से मारो, उससे क्या होएगा, सारे दाने टूट जाएंगे, सिंगदाने का जो वो पॉड है, छिलका है, वो टूट जाएगा और दाना अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, मैंने आपको एक एक दाना छीलने की ज़रूरत नहीं, जितना टाइम उसमें वेस्ट हुआ इसमें आपको एक साथ एक बोतला भर के सिंगदाना साफ करके हो गया। नाउ टेक द ग्राउंड नट आउट इन अ ट्री एंड टेल मी व्हाट डिड यू सी। उसने बोला कि आप अभी इसको निकालो और आपने क्या देखा कि छिलका अलग हो गया, दाना अलग हो गया, कोई दाना टूट जाएगा ऐसा नहीं कि आप छिलते समय भी दाना टूटता है, मगर इसमें क्या हो गया, मेहनत आपको बहुत कम लगी, आपको टाइम भी बचाना है। ऐसा नहीं कि आपको काम करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि कितना टाइम आप कंज्यूम करते हो, कितना टाइम आप उसको यूज़ करते हो, वो भी आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। समझ में आ रहा है बेटा आपको, तो उसने उसी तरीके से ये बताया है कि अभी इसको बोलते हैं विनोइंग एंड थ्रेशिंग। मैंने क्या बोला कि वो बाजरे को उन लोग झटकते हैं, जो 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 झटकते हैं, तो उससे क्या होता है, दाना अलग हो जाता है और कचरा अलग हो जाता है, या तो मशीन में डालते हैं, मशीन का रहेगा तो सबसे अच्छा, अगर मशीन नहीं है तो उन लोग क्या करेंगे, उसको विनोइंग और थ्रेशिंग हाथ से करेंगे। वैसे सिंगदाना का उसकी मम्मी ने एक एग्जांपल दिया कि अगर हाथ से छिलेंगे तो कितना टाइम लगेगा और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है आपको, तो इस तरीके से उसकी मम्मी ने उसको एक्सप्लेन किया। माय डियर स्टूडेंट, द फर्दर लेसन विल बी एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। जो मम्मी ने उसको बताया, अर्जुन और मम्मी को जो बताया, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। सो नाउ वी विल हैव अ स्मॉल रीडिंग ऑफ दिस पेज। उसके बाद मैं आपको लेसन होने के बाद मैं आपको एक पेज का नोट्स का पिक्चर भेजूंगी, सो दैट यू कैन स्टार्ट कम्प्लीटिंग योर बुक एंड यू कैन स्टार्ट लर्निंग ऑल्सो। बेटा पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसी मंथ में आपका वापस एक ऑनलाइन टेस्ट भी आएगा, अराउंड 20 तारीख तक कुछ आएगा आपका ऑनलाइन टेस्ट। इसके लिए आपको दो लेसन रहेंगे, लास्ट लेसन और ये लेसन। इसके लिए जैसे ही नोट्स आपको मैं अगर देती हूँ तो आप पढ़ने की तैयारी शुरू कर दिया करें। सुनने को आया, वर्सेस सेड आई अंडरस्टूड कटिंग एंड गैदरिंग। मैंने उसको समझ में आ गया कि कटिंग किसको बोलते हैं और गैदरिंग किसको बोलते हैं। बट
मैं रीड कर रही हूँ, आपको भी रीड करना है मेरे पास, ठीक है। वर्षा सेड, आई अंडरस्टूड कटिंग एंड गैदरिंग, बट वॉट इज थ्रेशिंग एंड विनोइंग? सो मदर सेड, ऑल राइट, डू वॉट आई टेल यू एंड यू विल सी, वी विल कंटिन्यू विद द स्टोरी लेटर। विच वॉज द स्टोरी? भाकरी। ओके, ट्राई दिस। टेक हाफ अ बास्केट फुल ऑफ ड्राइड ग्राउंडनट पॉड, डिवाइड दैम इंटू टू पोर्शन, शेल द ग्राउंडनट इन वन पोर्शन, हाउ लॉन्ग डिड दिस टेक यू? नाउ पुट द अदर पोर्शन इन अ क्लॉथ बैग एंड टाई इट माउथ, पाउंड द बैग लाइटली विद अ स्टोन और बीट इट विद अ स्टिक। नाउ टेक द ग्राउंडनट आउट इन अ ट्री एंड टेल यू व्हाट डिड यू सी। ठीक है बेटा, ये मैंने हाफ पेज ही एक्सप्लेन किया क्योंकि ये लेक्चर उतने ही टाइम में ख़त्म हो जाएगा बेटा। उसके बाद का कंटिन्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा। उसको अच्छी तरह पूरे लेसन को रीड करिए, 2.5 पेज एक्सप्लेनेशन हो गया है, उसको रीड करिए, समझिए, और नहीं समझ में आएगा तो आपको क्या करना है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ।